हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है आप लोगों का। हम लोगों ने प्रोनाउंस ख़त्म कर लिए हैं, तो अब हम लोग जो हैं एक नया टॉपिक देखेंगे, और नए टॉपिक का नाम आपको दिख ही रहा है, और वो है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? एक सिंपल लाइन भी नहीं, एक सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ तो एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, जैसे कि नाउन होता है। अगर नाउन कोई आपसे कहे तो एक तो आप डेफिनेशन दे दोगे नाउन की, कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन इतना ना बोल के अगर आप सिंपल ये कह दो कि नेमिंग वर्ड, या कि कोई भी वर्ड जो किसी का नाम बता रहा है तो वो नाउन है। उसी तरह से हम वर्ब को कह सकते हैं एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है, वो क्या है? वो वर्ब है। और वो एक्शन कौन करेगा? तो वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, या किसी थिंग का भी हो सकता है वो एक्शन। तो एक्शन वर्ड का मतलब होता है कि डूइंग वर्ड, या जिससे कोई काम हो रहा हो वो पता चलता है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो हम सिंपल डेफिनेशन अगर वर्ब की कोई आपसे पूछे तो वर्ब क्या है, तो वर्ब है डूइंग और एक्शन वर्ड। ठीक है, डूइंग और एक्शन वर्ड, डूइंग और एक्शन वर्ड, ये सिंपल आपकी जो है एक लाइन की, एक वर्ड की डेफिनेशन है कि डूइंग और एक्शन वर्ड। अच्छा, तो एग्जाम्पल देखिए, द बेबी क्राइज। अब क्राइज का क्या मतलब होता है? क्राइज का मतलब होता है कोई रो रहा है। तो रो, अगर कोई रो रहा है तो कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो एक एक्शन वर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्राइज क्या हो गया? क्राइज हो गया वर्ब। अच्छा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हवाई जहाज बहुत जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेबी क्राइज, तो क्राइज क्या है? एक एक्शन बता रहा है। तो ये वर्ड क्या हो गया? ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब। सेकंड सेंटेंस देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, एक्शन जो है वो सिर्फ पर्सन या एनिमल नहीं कर सकते, वो थिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे सन है, सन क्या है? सन तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, एक नॉन लिविंग थिंग है सन। ठीक है, सन एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है वो ईस्ट में उगता है। तो राइजेस क्या बता रहा है आपको? एक एक्शन बता रहा है कि उग रहा है कोई चीज, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये राइजेस क्या हो गया? ये राइजेस हो गया, ये राइजेस आपका हो गया वर्ब। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, द मून शाइन्स एट नाइट। द मून शाइन्स एट नाइट, यहाँ पे शाइन्स क्या बता रहा है? शाइन्स जो है वो ये आपको ये बता रहा है कि चमकता है रात में। अब मून भी यहाँ पे क्या है? मून, मून भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो मून, मून क्या है? मून भी एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये है, तो ये भी एक थिंग हो गया। तो अब द मून शाइन्स एट नाइट, शाइन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि ये भी एक एक्शन वर्ड है, ये भी एक एक्शन वर्ड है। ये आपको एक काम बता रहा है कि वो चमकता है। तो कोई भी काम, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई काम कर रहा है, समवन इज वॉशिंग, समवन इज वॉशिंग, समवन इज प्लेइंग, समवन इज रनिंग, समवन इज ईटिंग, तो ये ईट, प्ले, रन। ठीक है, तो जितने भी एक्शन वर्ड हैं जो आपको एक्शन बताते हैं, और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो और एग्जांपल आप ले लो कि रन, प्ले, ईट, वॉश, स्टडी, वॉक, फ्लाई, सिट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये एक्शन वर्ड है, एक्शन बता रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके वर्ब। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया वर्ब। तो एक तो हम लोगों ने सिंपल समझ लिया कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, जो आपको कोई एक्शन बता रहा है या कोई काम बता रहा है, जैसे ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। लेकिन वर्ब का सिर्फ यही काम नहीं होता है, वर्ब का एक काम और होता है, और उस वजह से हम लोग वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ये वर्ड आपको बुक में नहीं मिलेगा आपके, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। लिंकिंग वर्ब आपके बुक में नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है ये, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। तो
तो लिंकिंग वर्ब, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी वर्ड में, सब्जेक्ट जो होता है जो मेन पर्सन है, यू नो द मेन पर्सन, मेन कह सकते हो मेन पर्सन, वो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है। एक तरह से समझ लो लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे माय फादर इज अ डॉक्टर, अच्छा एक पल को आप भूल जाओ, इज को भूल जाओ, और मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, माय फादर अ डॉक्टर। तो ये सेंटेंस कुछ गलत गलत सा नहीं लग रहा है, माय फादर अ डॉक्टर, तो ये पूरा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है कि माय फादर अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ये जो इज वर्ड है, ये जो इज वर्ड है, ये क्या कर रहा है, ये माय फादर जो कि सब्जेक्ट है, मेन कौन है इसमें, सब्जेक्ट, इसको क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किससे, जो बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उससे लिंक कर रहा है। तो ये इज क्या हो जाएगा, ये एक लिंकिंग वर्ब हो गया, ये भी एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब से हमको एक्शन का पता नहीं चल रहा है, इस वर्ब से हमको एक्शन का पता ना चल के लिंकिंग वर्ब है ये, जो कि एक सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है। सेकंड सेंटेंस पढ़िए, द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल, इसको भी अगर मैं ऐसे लिखूं, द एलिफेंट, मान लो कि मैं हैज हटा देता हूं, द एलिफेंट अ शॉर्ट टेल, द एलिफेंट अ शॉर्ट टेल, तो ये तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा ना इस वर्ड का, द एलिफेंट अ शॉर्ट टेल। यहाँ पे एक वर्ड है एलिफेंट, एक वर्ड है शॉर्ट टेल, लेकिन बीच में तो कुछ बन ही नहीं रहा जो इन दोनों को जोड़े। द एलिफेंट अ शॉर्ट टेल, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है इस वर्ड का, इस सेंटेंस का। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगा देते हैं हैज, तो इससे पता चल जाता है कि एलिफेंट की जो टेल है वो शॉर्ट है, ठीक है, एलिफेंट की टेल शॉर्ट है, इससे हमको मालूम चल रहा है। तो ये हैज क्या कर रहा है, एलिफेंट को और शॉर्ट टेल को लिंक कर रहा है। एलिफेंट क्या है, सब्जेक्ट है, और शॉर्ट टेल जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो उसको लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हैज भी जो हो गया वो एक वर्ब हो गया, हालांकि हैज से हमको एक्शन का नहीं पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, जैसे रन, प्ले, ईट, वॉश, इसमें एक्शन हो रहा है, लेकिन हैज में एक्शन नहीं हो रहा है, इससे ये सिंपल एक लिंक करने का काम जो है वो कर रहा है। तो हैज भी क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया। अच्छा सेकंड, थर्ड सेंटेंस देखो, आई वॉज एक्साइटेड टू सी द लायन, आई वॉज एक्साइटेड टू सी द लायन, इसको भी अगर मैं लिखूं, वॉज को हटा देता हूं, आई एक्साइटेड टू सी द लायन, तो इस वर्ड में क्या हो रहा है कि कोई आई एक्साइटेड, इसका भी एक बहुत ही इनकम्प्लीट सा ये वर्ड है कि आई एक्साइटेड टू सी द लायन। यहाँ पे आई जो है वो मेन पर्सन है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी एक अनकम्प्लीट सा सिस्टम है और एक पूरा इनकम्प्लीट सा ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉज जो है वो क्या कर रहा है कि एक लिंक करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वॉज क्या हो जाएगा, वॉज भी एक लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, यानी सिंपल एक वर्ब हो जाएगा, या इसको लिंकिंग वर्ब बोल लीजिए या वर्ब बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई स्वैम इन द मॉर्निंग, अच्छा स्वैम का मतलब होता है तैरना, ठीक है, तो ये तो सिंपल आपको एक्शन बता रहा है, ये तो हमारा पिछले वाला जो हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, ये तो वही हो गया कि स्वयं का मतलब होता है क्या, तो स्वयं का मतलब होता है, तैरना, ठीक है, ये तो स्विम को ही स्वयं बोला गया, तो तैरना, तो ये तो आपको एक्शन बता रहा है, तो ये तो वर्ब है ही, तो वर्ब क्या होता है, जो एक्शन बताएगा वो तो वर्ब होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन बताने वाले ही शब्द या वर्ड ही वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जैसे हमने पढ़ा इज, हैज, वॉज, ये आपको एक्शन नहीं बता रहा है, लेकिन ये लिंक करने का काम कर रहा है, दो चीजों को, सेंटेंस को लिंक करने का काम कर रहा है, तो ये भी वर्ब होता है, इसको भी ध्यान में रखना। और यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि द वर्ड इज, हैज, वॉज, स्वैम आर ऑल्सो वर्ब्स, दे टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल एंड थिंग्स आर, ये हमको बताता है, जो लिंकिंग वर्ब होता है वो हमको बताता है कि कोई पीपल, कोई पर्सन, वो क्या है, उसके पास क्या है,
वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, ठीक है। जैसे माई फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये फादर क्या है, नाउन हो गया, तो नाउन है, बता रहा है कि ये नाउन क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, डॉक्टर है। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या नहीं तो आप सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया कोई भी एक वर्ब है जो लिंक कर रहा है दो सेंटेंस को, एक सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, तो वो एक लिंकिंग वर्ब हो जाता है। और हाँ, ये जो सारे सेंटेंस मैंने लिखे हैं ना, ये सारे सेंटेंस गलत हैं, तो इस, ठीक है, गलत है मतलब कि मैंने इसको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो माई फादर इज अ डॉक्टर इज भी एक वर्ब हो गया, द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल हैज भी एक वर्ब हो गया, एंड आई वॉज एक्साइटेड टू सी द लायन वो भी एक वर्ब हो गया। तो वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड भी हो सकते हैं और लिंकिंग का काम भी कर सकते हैं। सिंपल बस इतना ही है वर्ब। आइए हम लोग जो है कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अंडरलाइन दी वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको दे रखा है और इसमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। अच्छा, जब वर्ब्स को अंडरलाइन करने की बात आ रही है, तो इसमें ध्यान रखना कि सिंपल जो वर्ब्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्शन वर्ड तो होगा ही होगा, तो आपको ढूंढना है कि एक्शन वर्ड कौन सा वर्ड पढ़ के आपको एक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि वर्ड में कोई एक्शन ना दे रखा हो लेकिन वो सिर्फ लिंक करने का काम कर रहा हो, तो वो भी वर्ब होगा। तो ये छह सेंटेंस है, ये छह सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना रहेगा, और मीनिंग समझ लोगे तो आप अपने आप ही वर्ब का भी पता लगा लोगे, क्योंकि बहुत कोई टफ चीज ये नहीं है। सीता सिंग्स, फर्स्ट सेंटेंस, सीता सिंग्स वेरी वेल। सीता यहाँ पे क्या है, सीता तो हो गया नाउन, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि नेम है ये, तो ये हो गया नाउन। वेरी सिंग्स, ये देखो सिंग्स क्या है, ये एक सेकेंड, सीता को अंडरलाइन नहीं करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो सीता तो नाउन हो गया, सीता सिंग्स वेरी वेल। तो सिंग्स क्या है, सिंग्स का मतलब होता है गाना, सिंग्स का मतलब क्या होता है, गाना। सिंग्स का मतलब होता है गाना, तो सिंग क्या है यहाँ पे, सिंग जो है वो एक एक्शन वर्ड है, इससे पता चल रहा है कोई एक्शन हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो एक एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, सिंग्स हो गया, सिंग्स को हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। मधु प्लग्ड फ्लावर्स, मधु नाउन हो गया, प्लग्ड, प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना, फूल को तोड़ना प्लग्ड, तो प्लग्ड क्या है, प्लग्ड क्या है, वो एक एक्शन है, तो वो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया, तो प्लग पे आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है, फादर इज नॉट वेल। अच्छा, अब फादर तो हो गया नाउन, नॉट वेल, इन दोनों वर्ड्स में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एक्शन वर्ड है, तो अब आप ये कहोगे क्या कि इस वर्ड में कोई वर्ब नहीं है, हर एक वर्ड में वर्ब होता है, ये भी एक ध्यान में रखना चीज कि ईच सेंटेंस हैज अ वर्ब, ईच सेंटेंस हैज अ वर्ब, ऐसा कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता जिसमें वर्ब ना हो, ईच सेंटेंस हैज अ वर्ब, ये चीज ध्यान में रखना। तो फादर इज नॉट वेल में वर्ब क्या हो गया, तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं ऐसे लिखूं फादर नॉट वेल, समझ तो आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। तो फादर इज नॉट वेल में इज जो है वो यह है वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है, अगर कोई ये पूछ ले तो ये लिंकिंग वर्ब है, हालांकि ये वर्ड आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक करने का काम करता है। समवन, समवन, समवन यानी कोई इंसान, यानी कि वो नाउन हो गया, नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड, नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना, तो नॉक्ड क्या हो गया, कोई खटखटा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक एक्शन कर रहा है, तो नॉक्ड क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, तो इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अनीता वॉश्ड दी क्लॉथ्स, अनीता वॉश्ड दी क्लॉथ्स। अच्छा, यहां पर मैंने ये वॉश्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी है, डब्ल्यू ए एस आएगा, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा देख लेना, W A S H E D, तो अनीता वॉश्ड दी क्लॉथ्स, तो वॉश का मतलब होता है कपड़े धोना, तो वॉश से आपको क्या पता चल रहा है, वर्ब पता चल रहा है, कोई एक्शन पता चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब, वॉश्ड।
सिक्स्थ सेंटेंस द क्लॉक स्ट्राइक्स। क्लॉक जो है, जब आपने देखा होगा जो घड़ी है उसकी जो सुई होती है वो ऐसे स्ट्राइक करती रहती है, घूमती रहती है, तो उसको स्ट्राइक करना बोलते हैं। यानी वो क्या हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है। तो स्ट्राइक्स का मतलब होता है कि एक्शन से पता चल रहा है आपको। तो स्ट्राइक्स क्या हो गया, स्ट्राइक्स हो गया आपका वर्ब। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंग्स क्या है, सिंग्स प्लग्ड, नॉक्ड, वॉश्ड और स्ट्राइक्स, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स थे जिससे आपको कोई ना कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए इन सारे वर्ड्स को हम लोग कहेंगे क्या, तो इसीलिए हम इन सारे वर्ड्स को कहेंगे वर्ब, ठीक है, इसीलिए हम इन सारे वर्ड्स को कहेंगे वर्ब। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा था थर्ड, इज, इज, तो इज क्या है, ये एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन ये क्या है, लिंकिंग है, लिंकिंग वर्ब। ये दो इस जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट है उसको सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया कि वर्ब क्या होता है। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लंबी क्लास नहीं करेंगे। आप लोगों को होमवर्क करना है, और एक सेकेंड, ये आप लोगों का होमवर्क है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो हम लोगों ने क्लास में किया है एग्जैक्टली यही काम आपको करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, और बहुत इजी है, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग सिंपल इतना ही रखते हैं कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब्स में देखिए जो बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी होंगे, हो सकता है जिनका मीनिंग आपको ना आता हो, तो अगर इनका मीनिंग आपको नहीं आता तो आप उसके लिए आप किसी से पूछ लीजिए, या आप डिक्शनरी देख लीजिए, या आप मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये होमवर्क है आपका, इसको समझ लेना और जो वर्ब्स हैं उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।